देखो ऑप्शन दो। देखो मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। पहला क्वेश्चन है, 3A gives 4B, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है। फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है 10^-4, बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है 10^-7, बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है 10^-7, और तुम्हें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अगेन 3A gives 4B है, इक्विलिब्रियम पे ए का मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है 10^-3 मोलर, बी का दे रखा है 10^-2 मोलर, तुम्हें निकालनी है केसी की वैल्यू दोनों केसेस में। दो तीन बच्चों ने आंसर निकाल लिया, 1 मिनट का टाइम है, बाकी बच्चे भी ट्राई करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, इधर सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कर लेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। सर जो आपने कल डेरिवेशंस करवाई थी उसमें जो kx था वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। नहीं, kx तो बताएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यस सर। हाँ, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, सही है। ओके सर। सर फर्स्ट वाले का 10^3 है। फर्स्ट वाले का आंसर 10^3 आंसर दिया, किसने दिया है? दोनों निकाल लो एक बार पहले, फिर बोलना आंसर। दोनों निकाल लो। सर सेकंड का 10 है। सेकंड का 10 है, चलो। ये किसने बोले आंसर? सर पलक। चलो पलक ने निकाल लिया आंसर, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे जल्दी। सर सेम आ रहा है। फर्स्ट का 10^3 है, सेकंड का 10 है। चलो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ एक बार। पहले पहला जो फर्स्ट पार्ट है इसका, केसी का फॉर्मूला, केसी निकालना है, वो होगा केएफ बाई केबी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केएफ की वैल्यू है 10^-4 और केबी की वैल्यू है 10^-7, तो ये आंसर आ गया 10^3, सही ना? 10^3 आंसर आ जाएगा, 10^3 मोलर में आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट केसी निकालना है। केसी इसमें होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 4, कंसंट्रेशन दे रखा ना इक्विलिब्रियम पे, और कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्यूब, तो बी की पावर 4 लिख दिया मैंने, बी की पावर 4 यानी 10^-2 की पावर 4 यानी 10^-8 आ जाएगा, अपॉन में 10^-3 की पावर 3, तो 10^-9 आ जाएगा, तो केसी आ जाएगा इसका 10 और यूनिट आएगी मोलर, केसी आ जाएगा 10 मोलर। तो ये दोनों सही है पलक के। और किसी का सही हुआ, हैंड्स करेंगे एक बार। सर मेरा एक बार हैंड्स कर देंगे। देखो देवांश का सही है, ध्रुव का सही है, ऋषिका का सही है, जानवी का सही है, अनुराग का सही है, कपिल, निशांत, विष्णु, अक्षिता, मोहित, मुकुल, अंश, दीपांशु, बॉबी, निहारिका, निशांत। निशांत दो नाम सेंटर किया गया, निखिल, मेघा, गुनगुन, डिस्कनेक्टेड है ऑडियो। अच्छा, मानवी, विनय, गौरव, आभा, सागर, तुषार, प्राची, हिमांशी। तो ये 26 स्टूडेंट का सही है, बाकियों का भी सही होना चाहिए था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होंगे, इनको ट्राई करना एक बार, सही ना? इनको ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन है, विष्णु और गौरव का भी सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2A plus B2 gives 2AB. इसमें मैंने बोला सपोज 10 मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन इनिशियली, नोट कर लेंगे क्वेश्चन, 10 मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन इनिशियली, 10 moles of each reactant is taken initially, 60% of A is used up at equilibrium, 60% of A is used at equilibrium, calculate total moles
एंड केसी, कैलकुलेट टोटल मोल्स एंड केसी इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन 1 लीटर कंटेनर. चलो करोगे.
हाँ निकाला किसी ने आंसर? सर केसी 9/28 आ रहा है। केसी 9/28 और टोटल मोल्स? 17। किसने निकाला ये? सर ध्रुव। ध्रुव ने। और किसी बच्चे ने निकाला है? चलो एक बार ध्यान देंगे तो। सर केसी पॉइंट। मेरे को टोटल मोल्स बता दो, उससे पता लग जाएगा सही किया गलत किया। टोटल मोल्स कितने हैं? सर 11। टोटल मोल्स 11। किसने निकाला ये? शिखा। सर ये शिखा। हाँ चलो देखते हैं अभी। बॉबी ने निकाला 17 टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ध्रुव का और बॉबी का सेम आंसर है 17। और किसी ने निकाला है? चलो दो बच्चों ने आंसर निकाला है 17 और शिखा ने निकाला है 11। 2a + b2 = 2ab। रिएक्शन को रिवर्सिबल साइन से शुरू शो करना। तो देखो इधर, इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है 10 मोल ये 10 ये। इसमें से 2x जाएगा तो इसमें से x जाएगा। तुम ऐसे भी मान सकते हो ये इक्विलिब्रियम, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, क्लियर? दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तुम इसको ये यहाँ पे कंसेप्ट नहीं सीखा ना, फिर आगे पूरे चैप्टर में दिक्कत आएगी। इसमें तुमने अगर x मान लिया तो इधर से जाएगा x बाय 2, क्योंकि ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है और ये 2 बनता है। इसे अगर ये वाली क्वेश्चन ले रहे हो तो ये बनेगा 2x, और अगर ये वाली क्वेश्चन ले रहे हो नीचे वाली तो बनेगा x। पहले बताओ ये लाइन समझ आ गई कि नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे क्वेश्चन में। ये लाइन सबको समझ आ गई? हैंड सेज़ करेंगे एक बार हैंड सेज़ करेंगे। एक मिनट देखो, दोबारा देख लो। ये अगर 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो ये अगर 2x खत्म हो रहा है तो ये x खत्म होगा, बनता कितना है 2, तो 2x। ये तो डायरेक्ट स्टोइकोमेट्री देख के मैंने माइनस प्लस कर दिया। अगर तुमने इसको x लिख दिया, सपोज अगर ये 2 खत्म हो रहा है तो ये खत्म हो रहा है ना, तो अगर ये x है तो ये x बाय 2 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा x, क्योंकि 2 से 2 बन रहा है ना ये, तो x खत्म हुआ तो x बनेगा। अभी समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। आप एक बार हैंड सेज करेंगे जिसको ये समझ आ गया, नहीं समझ आया दोबारा पूछो इसको, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इसमें आप किसको समझ आया ध्यान देंगे? पूर्वी को, शिखा को, देवांश, दीपांशु, निशांत, मयंक, ध्रुव, निवृत्ति, मानवी, गुनगुन, अक्षिता, बॉबी, जानवी, पलक, मयंक, कपिल, विनय, तुषार, हर्षित, आभा, गौरव, ऐशना, मोहित, निहारिका, ऋषिका, दीपांशु, प्राची, मेघा, अंश, अनुराग, सागर, चेतना, चमन। 29 स्टूडेंट को समझ आ गया। अभी भी किसी को पूछना है मेरे से दोबारा पूछ लो तुम लोग। बॉबी, किसी को भी दोबारा पूछना है तो मेरे से दोबारा। प्राची, मुकुल, तो दोबारा पूछ लो, डाउट मत रहने देना कोई भी। हर्षित, किसी को पूछना है दोबारा? नो सर। चलो ये समझ आ गया सबको इसका मतलब। अब ये देखो, अब इसमें अगर मैं ये वाली क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ तो 2x जो है क्या गिवन है, 60% ऑफ a इज यूज्ड अप, दैट मींस 2x इज इक्वल टू 60/100 ऑफ 2x इज इक्वल टू 60/100 ऑफ 10। तो ये आ गया सीधा 6 मोल्स, तो 2x आ गया 6, तो x आ गया 3, और x 2x 6 आया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 6 = 4, 10 - x = 3 = 7, और 2x यानी 6, तो ऐड कर दो 17। जिसने 17, दो बच्चों ने आंसर निकाला था, दो का सही है, एक बॉबी का सही है, एक ध्रुव का सही है, 17। जिसने ये 17 सही निकाला है उसका आंसर सही है। और अगर तुम इससे करते हो तो x को लिखना, ध्यान रखना तब x को लिखना, x इज इक्वल टू 60/100 of 10, तो ये भी 6, x की वैल्यू 6 आएगी, तब 10 - 6 = 4 आ जाएगा, 10 - 3 = 7 आ जाएगा, ये x तो 6 है, इससे भी 17 आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। और केसी अब तुम निकाल ही लोगे क्योंकि 1 लीटर का कंटेनर है, तो डायरेक्ट केसी निकल जाएगा। केसी क्या होगा, ये होगा ab का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर इनटू b2।
एक बार हैंड सेज करेंगे जिसको क्वेश्चन पूरा समझ आ गया, सबको समझ आ गया कि नहीं? ये जल्दी से हैंड सेज कर देंगे जिसको समझ आ गया। अभी काफी बच्चे इनको समझ नहीं आया। अंजलि, अंश, चमन, नहीं समझ आया ये? अश्किम सर, हाँ बोलो सर। x इक्वल टू 3 तो समझ आया कैसे आया, पर सर आपने ऊपर वाले इक्वेशन में ऐड कैसे करा जाए 17 आ गया। ये रहा ना, देखो 4 ये बचा, जब मैंने वैल्यू निकाल ली तो 4 ये बचा कि नहीं, 7 ये है और 6 ये है, 4 प्लस 7 प्लस 6 17 आ गए। टोटल मोल्स पूछे थे ना इक्विलिब्रियम पे। ओके सर, आगे समझ। किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। है किसी को डाउट? नो सर। चलो चलो ये समझ आ गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ इसी टाइप का, इसको निकालना है ताकि इसका कंसेप्ट बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाए। सपोज रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 से 5 moles of each is taken इनिशियली, 5 मोल इसके लिए हैं, 5 मोल इसके लिए। At equilibrium, 20% of H2 is used up. At equilibrium, 20% of H2 is used up. At equilibrium, 20% H2 is used up. तुम्हें निकालना KC की वैल्यू, KC की और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये भी निकालो। KC एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, क्या निकालना है तुम्हें? KC एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जल्दी से निकालेंगे। सर हो गया। हाँ किसने कर लिया है? सर शिखा। कितना आंसर आया शिखा बोलो? सर 8 और 1/8। चलो 8 निकाला तुमने टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। यस सर। और 8 और 1/8, चलो बहुत अच्छे शिखा, सबसे पहले निकाला तुमने। और किसी बच्चे ने निकाला आंसर? 9.33 मोल्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स 9.3 आ रहे हैं टोटल मोल्स। सही, 9.3 तो बच्चों ने निकाला। किसने निकाल लिया 9.3? सर ऋषि का। चलो एक बार 9.33 किसने निकाला है, हैंड्स से करेंगे। किसने निकाल लिया? बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया। लास्ट टाइम वाले हैंड्स रेज ना हो ये। चलो अब एक बार देखते हैं इसको। ये कंसेप्ट नहीं सीख पाए ना फिर चैप्टर में दिक्कत आएगी। देखो इसमें से अगर मैं मान रहा हूं x गया एट इक्विलिब्रियम, इसमें से अगर x गया तो इसमें से जाएगा 3x, बनेगा 2x। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। At equilibrium, 20% H2 is used up. यानी
एच टू कितना यूज हुआ है 3x, तो 3x की वैल्यू ले लेंगे 20/100 ऑफ 5, तो ये 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई, 3x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1/3 आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/3, तो ये आ गया यहाँ पे, ध्यान देंगे अब, ये आ गया 3x 1 था, तो ये आ गया 4, 3x 1 था, और x था 1/3, तो ये आ गया 2/3, और ये 5 माइनस x, 5 माइनस 1/3, 5 माइनस 1/3 यानी 14/3 क्या? यस सर, यस 14/3, चलो 14/3 प्लस 2/3, 16/3 प्लस 4, आंसर आएगा 16/3 प्लस 4, 4 प्लस 16, 12 प्लस 16, 28/3 आंसर आएगा, 28/3, तो 9.33 जो इसने निकाला है वो सही आंसर, 9.33 सही है, और केसी निकालना है, तो केसी होगा, और पहले तो केसी हम निकाल नहीं सकते इसके अंदर, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने लीटर बोला नहीं था, वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये तो मोल्स हैं, और केसी निकालने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है, केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, ये आएगा केसी, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, कोई डाउट किसी को, अगर एक लीटर का कंटेनर मैं दे दूंगा तो यही वैल्यू पुट कर देना। अच्छा अब एक बार सिंसियरली हैंड सेस करेंगे जिसका 9.33 आंसर सही निकला है, अगर 80% का सही है तो हम आगे करेंगे, नहीं ये तो बहुत कम बच्चे हैं, अक्षिता, निशांत, निवृत्ति, कपिल, दीपांशु, मेघा, अनुराग, पलक, ऋषिका, निहारिका, विष्णु, गौरव, देवांश, मयंक, मुकुल, ध्रुव, निखिल, जानवी, मानवी, मयंक, चमन, गुनगुन, मोहित, चेतना, पूर्वी, प्राची, अंजलि, ये चलो निकाला है 70% के आसपास सही निकाला है। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का, देखो ये वाली चीज ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये ज्यादा सही नहीं है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि और कंसेप्ट बिल्डअप हो, यहाँ से नोट करेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का, 3a + 4b गेस टू सी प्लस डी, 10 मोल्स ऑफ ईच इज गिवन इनिशियली, 10 मोल्स ऑफ ईच इज गिवन इनिशियली, और एट इक्विलिब्रियम, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ डी इज यूज्ड अप, या इसमें करते 40% ऑफ बी इज यूज्ड अप, लेफ्ट का भी बोल सकते हैं, मैंने बोला 40% ऑफ बी, बी इज लेफ्ट कर लेना इस बार, 40% ऑफ बी इज लेफ्ट, क्वेश्चन क्लियर है, 40% ऑफ बी इज लेफ्ट, तो कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अरे तो सब लोग
सर 14 सिर्फ 14 टोटल मोल्स 14 चलो 14 निकाल लिया दो बच्चों ने आंसर बोल दिया एक बार हैंड्स डाउन कर लिया करो आंसर देने के बाद 14 आंसर दो बच्चों ने निकाला है किस किसने निकाल लिया 14 सर पलक पलक ने निकाला और सर मयंक अर्धवांश निकाल दिया सबने आभा का रह गया आभा अंजलि चमन दीपांशु गौरव गुनगुन बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं अभी आप सही है अभी पांच छह बच्चे रह गए हैं आभा चमन दीपांशु हर्षित मुकुल आभा का निकल गया अब पांच बच्चे रह गए हैं चार बच्चे चमन हर्षित मुकुल और शिवांश अब तीन रह गए हैं चमन हर्षित शिवांश 14 सबका निकल गया ना सर जल्दी से आंसर चेक कर लेंगे एक बार देखो 10 में से एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम 10 में से इधर गया 3x इधर जाएगा 4x इधर बनेगा 2x इधर बनेगा x ये लगा देंगे सबसे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का नाउ बी लेफ्ट इज 40% of 10. 10 minus 4x is equal to 40% of 10. यही बचा ना बी यही बोला मैंने बी कितना लेफ्ट है 40% अपने इनिशियल अमाउंट का तो ये तो सीधा 4 हो गया 4 हो गया 10 minus 4 6 तो x आ गया 3/2 x 3/2 आ गया तो 10 minus 9/2 हो जाएगा ये 10 माइनस 9 बाय 2 हो गया और ये हो जाएगा 10 माइनस 4 ये तो डायरेक्टली दे रखा था 4 सॉल्व कर लेना x की वैल्यू पुट करके और ये हो जाएगा x 3 बाय 2 है तो ये 3 हो जाएगा ये 3 बाय 2 यही निकला है सबका 20 माइनस 9 11 बाय 2 यही निकला 14 बाय 2 11 7 प्लस 4 प्लस 3 14 आंसर आएगा 7 प्लस 4 प्लस 3 14 आंसर आ जाएगा ये तीन बच्चों का रह गया आंसर बाकी सबका निकल गया सही ना तीन बच्चों का रह गया था आंसर बाकी सबका निकल गया ये तो आगे ना ये इसको निकालने में ना काफी हेल्प मिलेगी एक बार 10 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लेंगे सही ना क्लास को 10 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लेंगे